धन्यवाद आपका हमारी कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। सत्या बिना देरी किए अब श्वेता के हॉस्पिटल में जाकर ब्लड दे देता है। अब सत्या डेली श्वेता की देखभाल करता था। श्वेता की हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि श्वेता का हार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लग रहा है और ये केवल 2 या 3 महीने ही चल पाएगी। हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सहारा है। अब यह सुनकर सत्या को ऐसा लगता है कि दुनिया और जिंदगी इतनी छोटी कैसे हो सकती है और यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। अब सत्या अपना हार्ट देने का फैसला करता है और सोचता है, मैं सामने से तो श्वेता के दिल में जगह नहीं बना सका, लेकिन अपना दिल देकर उसकी जीवन का हिस्सा जरूर बनूंगा। अब श्वेता बिल्कुल ठीक है और जब उसको यह पता चलता है कि उसको सत्या ने हार्ट दिया है जिसकी वजह से आज वह जिंदा है, तो वह अपने आप को माफ नहीं कर पाती है। जिस सत्या को उसने इतना भला बुरा कहा था, बदसूरत बोला था, आज उसी के दिल का हिस्सा है श्वेता। इसलिए किसी ने सही कहा है कि व्यक्तित्व वो होता है जिसे हम अंदरूनी खूबसूरती कहते हैं, जो इंसान की सोच और चरित्र को दर्शाता है, और लुक्स वो होता है जिसे हम बाहरी खूबसूरती कहते हैं, जो इंसान के शारीरिक रूप को दर्शाता है। हमें कभी भी इंसान के बाहरी लुक्स को देखकर जज नहीं करना चाहिए। आशा करती हूं कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लाते रहे और आपके सोचने का नजरिया बदल सके, तो हमको फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।